दोस्तों बियर एक ऐसी चीज है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से इंडिया में सबसे ज्यादा सेल होती है और इसका सेवन इंडिया के यूथ में सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि बियर हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करती है, इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, और क्या वाकई में बियर पीने से बॉडी बनती है? तो कुछ भी हो जाए, एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बियर के बारे में आज आपको जो पता लगने वाला है ना, उसे जानकर आप खुद हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब बियर हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो क्या करती है। तो देखिए, जैसे ही आप बियर को पीते हो तो वो आहार नली से होकर आपके स्टमक तक पहुंचती है, जहां पे सबसे पहले बियर में जितना भी अल्कोहल होता है वो आपके स्टमक के दीवारों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और स्टमक के दीवारों में नसें लगी होती है जो कि हमारे पूरे शरीर में फैली होती है, और इन्हीं नसों के द्वारा अल्कोहल हमारे पूरे बॉडी से होकर दिमाग तक पहुंचती है, और जैसे ये हमारे दिमाग तक पहुंचती है तो हमारे ब्रेन के द्वारा डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज किया जाता है। डोपामिन को प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी डोपामिन हमारी बॉडी में रिलीज होती है हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, एक नेक्स्ट लेवल का फीलिंग महसूस होता है, और यही कारण है जिसकी वजह से बियर पीने के बाद लोगों को मजा आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, ठीक यही हार्मोन उस वक्त भी रिलीज होता है जब आप लोग पॉर्न देखते हो, मास्टरबेट करते हो या फिर सेक्स करते हो, और यही कारण है जिसकी वजह से कुछ लोग बियर से एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका बॉडी आपको बार बार मोटिवेट करता है उस फीलिंग को पाने के लिए, क्योंकि उस फीलिंग से आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को मजा आ रहा है। अब बचा हुआ जो बियर था वो हमारे स्टमक से होकर लीवर तक पहुंचती है, और लीवर हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं या फिर पीते हैं उसका पाचन हमारे लीवर में ही होती है, और वो हमारे बॉडी से बाहर जाने की प्रक्रिया हमारे लीवर से ही शुरू होती है। पर दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि जो बचा हुआ बियर था वो लीवर में जाकर एसिटिक एल्डिहाइड में बदल जाती है, और जो कि एक तरह का जहरीला पदार्थ होता है। ये जब थोड़ा बहुत रिलीज होता है तब तो हमारी बॉडी के द्वारा इसे पचाकर टॉयलेट के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, और यही कारण है कि बियर पीने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा टॉयलेट आती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब लोग हर रोज बियर का सेवन करते हैं और उसके बॉडी में ये प्रक्रिया हर रोज चलती है, तो उसका जो लीवर होता है वो धीरे धीरे करके फैटी लीवर में बदल जाती है, और जिससे होता यह है कि उसके बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो कम हो जाती है, उसके बॉडी में खाया पिया ठीक से नहीं लगता है, भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है, अपचन, गैस और कब्ज जैसी समस्याएं बनी रहती है। तो अब जो बियर हमारे लीवर में था वो लीवर से होकर छोटी आंत में जाती है, और छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत से वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है, और कुछ इस तरीके से बियर का पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि बियर पीने के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, कोई भी चीज को अगर लिमिट में लिया जाए तो उसका हमारी बॉडी में फायदा ही होता है। ठीक उसी तरह अगर आप बियर को एक लिमिट में पीते हो तो इसके आपके बॉडी में कई सारे फायदे हैं। देखिए, बियर में मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पाई जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ ये दिल की बीमारी को कम करता है। इसके अलावा बियर डिप्रेशन को भी कम करता है, क्योंकि जब आप बियर पीते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होती है। साथ ही साथ बियर आपके बॉडी पेन को कम करता है, और इसके अलावा आपके बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग कितना बियर पिए कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखिए, आप एक हफ्ते में यानी कि 7 दिन के अंदर अगर आप 2 से 3 गिलास बियर का सेवन करते हो तो ये आपके बॉडी को इफेक्ट करने के जगह उल्टा आपको फायदा पहुंचाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बियर पीने के क्या क्या नुकसान है। तो देखिए, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि हम लोग अधिकांश बियर का सेवन रात को करते हैं या फिर किसी भी पार्टी या फिर किसी फंक्शन में करते हैं, और बियर में बहुत ज्यादा हाई कैलोरी होता है, और पार्टी के बाद या फिर रात को पीने के बाद आप लोग उस कैलोरी को बर्न नहीं कर पाते हो, और वो कैलोरी बर्न ना होने की वजह से वो धीरे धीरे करके फैट का रूप ले लेती है, और जो कि आपके स्किन के अंदरूनी दीवार पर आकर चिपकने लगती है, और आपका स्किन धीरे धीरे मोटा होने लगता है।
और जिससे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बियर पीने से उसका बॉडी बन रहा है, उसका बॉडी फूल रहा है। लेकिन हमारे शरीर में बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है फैट। आप किसी भी मोटे इंसान को देख लीजिए, उसके बॉडी में कोई ना कोई बीमारी होगा ही, क्योंकि मोटापा को बीमारी का जड़ माना जाता है। आप पतला रह लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा भद्दा, बहुत ज़्यादा मोटा है ना, तो आपको बदले में केवल एक ही चीज़ मिलेगी और वो है नए नई बीमारी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बियर पीने से क्या सच में हमारी बॉडी बनती है। तो इसका जवाब है हाँ, बनती है। लेकिन तब बनती है जब आपको बियर से जो कैलोरी मिल रहा है उसे वर्कआउट करके, कार्डियो करके बर्न करते हो तो। अदरवाइज अगर आप बियर पीकर पड़े रहते हो तो वो आपके शरीर में केवल फैट को जमा करती है, जिससे आपके मसल्स में सूजन आने लगता है, और जिसे देखकर आप खुश होते हो कि मेरी बॉडी बन रही है, मेरा मसल्स फूल रहा है, मसल्स बन रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इसीलिए अगर आप अपनी एक अच्छी खासी फिजिक्स डेवलप करना चाहते हो, अपने बॉडी को बनाना चाह रहे हो, तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बियर का सेवन करें। आप नेचुरल चीजों पे डिपेंड रह सकते हो, फलों के जूस को पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, लेकिन बॉडी के लिए बियर का सेवन ठीक नहीं है। हाँ, कभी कदार किसी फंक्शन में या फिर पार्टी में थोड़ा बहुत हुआ तो वो चलेगा, लेकिन आपको कभी भी बियर से एडिक्ट नहीं होना है। तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन पहले बहुत ज्यादा बियर पीते थे, अब से आप लोग बियर को पीना कम कर दोगे। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के और भी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो मैं जब भी लाऊं आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।